हेलो फूडीज फ्रेंड्स, मैं सबा फिरोशी, एक सबस किचन में आप सबका स्वागत है। मैं बना रही हूँ ड्राई तेंदली की सब्जी, इसे कुंदरू भी कहते हैं। ये किसी भी दाल राइस के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे थाली के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सिर्फ 15 मिनट ही काफी है। तो आइए बनाते हैं ड्राई तेंदली की सब्जी। ड्राई तेंदली की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम तेंदली, 2 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच जीरा। सूखे मसाले में हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 5 बड़ी चम्मच तेल ले लें जो भी आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हो। सबसे पहले तेंदली को अच्छे से वॉश करके साफ कपड़े से पोंछ कर रख लें। अब इसे हम कट करेंगे। तो ये मैंने दूसरा बर्तन ले लिया है। अब तेंदली के दोनों ही साइड्स को काट कर इस तरह से इसे लंबाई में 4 टुकड़ों में काट लें। आप इसे गोलाई में भी कट कर सकते हैं, आप जैसा चाहे इसे वैसे शेप में कट करें। और इस सब्जी को हमें छीलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसे बिना छीले ही पकाया जाता है। तो लीजिए, सभी तेंदली काट ली है। अब गैस पर एक पैन रखें और पैन में डालें तेल। तेल को हल्का गर्म कर लें। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो तेल अपने हिसाब से यूज करें, पर मैं सब्जी वगैरह बनाने में तेल के लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो हींग डालें। तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि गर्म तेल में हींग डालती तुरंत ब्राउन हो जाती है। इसलिए जब तेल हल्का गुनगुना गर्म हो जाए तभी आप हींग डाल करके हींग को भून लें लो फ्लेम पर कुछ ही सेकंड्स के लिए। और अब डालें जीरा और जीरा तड़कने तक के फ्राई कर दें धीमी आंच पर। जब जीरा ब्राउन हो जाए तो तेंदली डाल दें। तो लीजिए, तेंदली डाल दी है। इसे तेल के साथ अच्छे से मिला लें और फिर इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने रख दें। इस बीच एक बार इसे चला भी ले तो अच्छा होगा, जिससे कि तेंदली अच्छे से फ्राई होगी। तो लीजिए, 8 मिनट हो गए हैं। अब चेक कर लेते हैं तेंदली फ्राई हुई है कि नहीं। ये देखिए, तेंदली बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें सभी मसाले डाल देंगे नमक समेत ही। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। सूखे मसाले डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच पानी, जिससे कि मसाला बर्न नहीं होगा और काला नहीं पड़ेगा, यानी कि मसाला जलेगा नहीं और फिर तेंदली भी नरम पड़ जाएगी। मसालों को तेंदली के साथ अच्छे से मिला लें और एक बार फिर से इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने रख दें। जो पानी डाला है वो बर्न ना हो जाए और सब्जी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, इसे तब तक पकाएं। तो ये देखिए, तेंदली की ड्राई सब्जी बनकर तैयार है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है और तेंदली भी पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई है। इस स्टेज पर आप गैस को बंद कर दें और इसे गर्मा गर्म परोसे। किसी भी दाल राइस के साथ या फिर रोटी के साथ भी खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। तो देखा आपने, ड्राई तेंदली की सब्जी बनाना कितना आसान है। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियोज़ की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।